नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की 10 बड़ी हेडलाइंस। सोमवार को लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे पीएम मोदी। लॉकडाउन की होगी समीक्षा। केंद्र सरकार को भरोसा है कि 3 मई तक कुछ राज्यों में स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। दिल्ली में 32% कोरोना मरीज हो रहे हैं ठीक। अब तक 724 रोगी हो चुके हैं स्वस्थ। 22 अप्रैल को दिल्ली सरकार द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में कोरोना मामले बढ़कर 2248 हुए। अब महज 9 दिन में बन जाएंगे राशन कार्ड, 2 दिन में ही होगी जांच। महामारी के बीच बिहार सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। बंद हो कोरोना फाइटर्स पर फूल बरसाना। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना फाइटर्स की तारीफ करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है जरूरी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुंबई से छुपकर वापस आए मजदूरों को करवाया गया क्वारंटाइन। एसडीएम सदर पारसनाथ मौर्य ने प्रशासन एवं पुलिस की टीम के प्रयास से उठाया कदम। असम सरकार का आदेश, स्कूल 50% फीस कम करे। शिक्षकों को भी दी राहत, मार्च महीने के लिए स्कूल आधी फीस ही ले। शिक्षकों और स्टाफ को दें पैसे, नहीं तो होगा एक्शन। तमिलनाडु में सामाजिक दूरी भूले राज्य मंत्री आरबी उदय कुमार। कर डाली प्रेस वार्ता। मंत्री मदुरै पुलिस आयुक्त जिला कलेक्टर और अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ जिले में एक क्षेत्र का कर रहे थे निरीक्षण। कोलकाता में जूम ऐप से चुराया डाटा, बिटकॉइन में मांगी रंगदारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की चेतावनी सही साबित हुई। कोरोना पर इमरान ने ट्रंप से की बात, पाक जैसे देशों के लिए आर्थिक मदद की अपील। इमरान ने विकासशील देशों के लिए मांगी आर्थिक मदद। विश्व के 200 से ज्यादा देश आज कोरोना वायरस की चपेट में हैं। भारत में भी हाल के दिनों में संक्रमितों की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है। इसके बावजूद भारत पड़ोसी देशों की मदद कर रहा है। भारत ने हाल में नेपाल को लगभग 23 टन जरूरी दवाएं भेजी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए एक ट्वीट किया। आप देख रहे थे द दस्तक 24 में अभी तक की 10 बड़ी हेडलाइन। सबा खान के साथ शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।